की बात है, जो चाहे एक व्यक्ति के रूप में, चाहे कोई स्थान के रूप में, चाहे कोई वस्तु के रूप में इनके जीवन में आता है, उन हर एक डिस्ट्रैक्शन को, उन हर एक रोकने वाली वस्तुओं को, हर एक उलझाने वाली शक्तियों को हम यीशु के नाम से इस जगह से इनके जीवन से अलग कर दें स्वामी। प्रभु होने दे कि जब ये इस वचन को सुने हैं तो इनके जीवन में वो कन्विक्शन, वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन, वो इरादा इनके जीवन में और बढ़ता चला जाए। प्रभु आगे चलकर इनका इरादा केवल भले कामों को करने के लिए होने पाए, आगे चलकर इनका जीवन प्रभु आपको महिमा देने के लिए होने पाए, आपको महिमा देने के लिए करने पाए। ये कॉलिंग दिया गया, लेकिन मैं उस ओर कैसे बढूं? प्रभु मैं ऐसे भाई
होती हूँ लॉर्ड, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर ऐसे जवान जिनके जीवन में अभी घर में बहुत सारी समस्याएं हैं या परिवार में ऐसे कलह की बातें पाई जाती है या परिवार में ऐसी चीज देखते हैं वो और उनको लगता है कि मैं तो बढ़ रही हूँ लेकिन मेरा परिवार को क्या हो रहा है, क्या मेरे परिवार बचाए जाएंगे या फिर मैं इन लोगों का ही जीवन को देख देख करके मेरा जीवन व्यतीत होगा, क्या जो खुलाहट परमेश्वर ने मुझे दी है क्या मैं उसे पूरा ना करूं। पिता परमेश्वर ऐसे जवानों को मैं यीशु के नाम से मैं ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज के बाद जब एक घर जाए तो वो उस आनंद को जो आज आपने दिया है इनके अंदर में वो इन्हें थामे रखे और पिता परमेश्वर चाहे कितनी भी परेशानी आई आपने उस चीज को थामे रहा प्रभु जी और अपनी दौड़ पूरी की। इनके जीवन में चाहे कैसी भी मुसीबत आए प्रभु इनके आत्मिक जीवन को ये कभी भी नीचे ना गिराने पाए, इनका विश्वास जो आपके ऊपर है वो कभी भी ना डगमगाने पाए अपने परिवार की परिस्थिति को लेकर। और जब ये इन बातों की ओर ध्यान नहीं देंगे और उस गोल को जो तूने इन्हें दिया उसे अचीव करेंगे स्वामी तब इन्हें लगेगा कि ये डिस्ट्रैक्शन या ये परिवार की समस्या है तो कुछ भी नहीं और इनकी परिवार की समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। हम धन्यवाद करते हैं लॉर्ड, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने ऐसा कर दिया, तूने इनके जीवन में उस कार्य को आरंभ कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ। इस घड़ी मैं इस झारखंड राज्य के लिए, आइए हम मिलकर इस झारखंड राज्य के लिए प्रार्थना करें जो यहाँ पे विशेषकर वह विचार का जो स्पिरिट है वो बहुत ही ज्यादा काम करता है क्योंकि यहाँ पे यीशु के पीछे चलने वाले या यीशु को जानने वाले बहुत सारे लोग हैं और शैतान चाहता है कि एक ही ये डिस्ट्रैक्शन है जो जवानों में अगर मैं भेज दूं तो ये अपने मकसद से पीछे हट जाएंगे। आइए हम मिलकर इस झारखंड राज्य में जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, जो भी स्पिरिट ऑफ अडल्ट्री के रूप में कार्य कर रहा है, आइए हम उस अंधकार की शक्तियों को, आइए हम उस स्ट्रॉन्ग होल्ड को एक मन होकर के हम यीशु के नाम से हम निकालें। आइए हम अन्य भाषा में इस बात के लिए हम प्रार्थना करें जिन्हें गिफ्ट है अन्य भाषा में प्रार्थना करें, हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें। लॉर्ड हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें आजाद दी है, तूने हमें स्वतंत्र किया।
आपके पवित्र लहू को लगाते हैं, आपके पवित्र लहू को हम लगाते हैं सोने। या नेट के एडिक्टेड है, जिस नेट को यूज करते हैं उस पर यीशु आपके लहू को लगाते हैं। कोई भी वस्तु उनके जीवन में आज के बाद प्रभुता नहीं करेगी, वरन प्रभु जी आप इनसे बातचीत करेंगे। जो आनंद प्रभु जी आप में है वो आनंद और किसी चीज में नहीं, इस बात को आप इनके जीवन में प्रकट कीजिए। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे जवान जिनके जीवन में जो भी बीमारी पाई जाती है, यदि इन्हें हीलिंग की आवश्यकता और ये चाह रहे कि मुझे वो हीलिंग मिले और इनके अंदर में वो पूरा विश्वास है, तो प्रभु आप उनके विश्वास के आधार पे तो काम करते हैं। जो इन्होंने आज रिसीव किया है, उस रिसीव जो इन्होंने किया है वचन को, वो वचन इनमें फ्रूटफुल होने पाए और ये पूर्ण रीति से स्वतंत्र हो जाने पाए। किसी भी रीति से यदि बंधन में पाए जाते हैं, किसी भी तरह का नशा ये करते हैं, किसी भी तरह का एडिक्शन इनमें यदि पाया जाता है, तो इस लत से ये आजाद होने पाए यीशु के नाम से। यदि इनके परिवार में ऐसा कोई है जो आज भी बंधन में पाया जाता है एडिक्शन के रूप में, लत की वजह से, शराब की लत या किसी भी रीति से, तो वो यीशु के नाम से आजाद हो जाने पाए। क्योंकि जब आपने इन्हें स्वतंत्र किया है तो आपका स्वतंत्रता इनके साथ साथ इनके घर परिवार में भी बहने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। हम आइए खुलकर इस समय हम पवित्र आत्मा को धन्यवाद दें। आइए हम धन्यवाद दें होली स्पिरिट को कि उसने हमारे जीवन में खाई कर दिया। आइए हम धन्यवाद बोले और कहें कि थैंक यू होली स्पिरिट फॉर वर्किंग इन माय लाइफ, फॉर वर्किंग इन माय फैमिली, फॉर वर्किंग। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू माय हेवनली फादर, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु आज के इस दिन में हर एक से बातचीत करने के लिए, हर एक के जीवन में उस छुटकारे को देने के लिए स्वामी, हर एक के जीवन में उस कार्य को करने के लिए। और जो वचन इन्होंने सुना है आज के इस दिन में, वो वचन इन्हें हमेशा याद रहने पाए। और जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन की बातें आए तो ये जान जाए प्रभु इनके जीवन में वो परम की आत्मा कार्य करने पाए, ये मैच्योर हो जाए स्वामी कि आज के बाद कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो तो मैं तुरंत उसे अपने जीवन से हटा दूं यीशु के नाम। परमेश्वर हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, क्योंकि आपने इस बड़ी गवाही को हमारे बीच में रखा है प्रभु, और ये एक सेलिब्रेशन टाइम है पिता परमेश्वर कि हमने आपने हम इस परिवार के हर एक बच्चों को आशीष दिया है पिता परमेश्वर। प्रभु हम एक एक लोगों के रिजल्ट्स के लिए आपको महिमा देते हैं लॉर्ड, और हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ही प्रभु जी अपने अनुग्रह को दिया कि हम पास करने पाए, आपने ही इस अनुग्रह को दिया पिता परमेश्वर कि हम मेहनत करने पाए लॉर्ड। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अच्छे माता पिता दिया प्रभु, अच्छे टीचर्स दिए पिता परमेश्वर, हम उनको भी ब्लेस करते हैं क्योंकि इस आनंद के भागीदारी में पिता परमेश्वर उनका परिश्रम का हाथ है प्रभु जी। हम आपको महिमा देते हैं लॉर्ड, हम इन सब भाई बहनों को ब्लेस करते हैं लॉर्ड जीसस। ये जहां कहीं अपने एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं लॉर्ड, इनके लिए रास्ते तू खोलना पिता परमेश्वर, हर एक इनके डिजायर्स को आप पूरा करना प्रभु जी, ये अपने करियर में शाइन करने पाए क्योंकि इन्होंने आपकी ओर दृष्टि की है पिता परमेश्वर। हम साथ ही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि इनके अलावा और जो बच्चे इस वर्ष पास नहीं कर पाए लॉर्ड, प्रभु उन पर अनुग्रह कर, दुगना अनुग्रह कर प्रभु जी। लेट देम बी रिस्टोर्ड इन जीसस नेम, पिता उनका हर एक खोया हुआ मार्क्स रिस्टोर किया जाने पाए यीशु के नाम से। हम आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड, आइए अपने तालियों को बचाकर परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू जीसस, प्रभु जी हम आपको सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो स्थानों में जा सकते हैं। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कभी देखे एक परिवार से इतने सारे पास हुए बच्चों को? हमने देखा है आज, है ना। और इस समय मैं चाहूंगी जिनका इस वीक में बर्थडे है या आज जिनका बर्थडे है, वो लोग जल्दी से दौड़ के स्टेज में आ जाएं। जिनका भी आज बर्थडे है या फिर आज से लेकर नेक्स्ट सैटरडे तक किसी का बर्थडे है तो आ सकते हैं। लोग पार्टी मांगते नहीं है लेकिन दे जरूर सकते हैं। चलिए जल्दी से। और कोई नहीं है? किसी का बर्थडे नहीं है? पार्टी के डर से सब बैठे रहते हैं। भाई लोग कोई नहीं है क्या? हम लोग इनको मिलकर एक साथ विश कर सकते हैं हैप्पी बर्थडे। चलिए 1 2 3 आइए इनके लिए हम बर्थडे सॉन्ग गाएंगे। और साथ ही मैं चाहूंगी बहन सुशांति इनको चॉकलेट्स देकर इनके जन्म दिवस को मीठा बनाए। प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर उनके इस वर्ष को आशीषित करे। और साथ ही जितने लोग आज फर्स्ट टाइम आए थे उनके लिए भी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए जो आपने हम सबों को तुमने दिया प्रभु। हम इसके लिए आपको हृदय से हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आज के सेशन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें से तुमने हर एक को आज तुमने अपनी आशीषों से प्रभु जी हमें भरा है और हमारे विश्वास को तुमने बढ़ाया है पिता परमेश्वर। और जिस दलदल में थे प्रभु जी उस दलदल से तुमने हमें निकाला है पिता परमेश्वर। हम इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं आज के जितने भी लोगों का जन्मदिन है पिता परमेश्वर आज या आने वाले हफ्ते में पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि आप इनके जीवन में एक नए वर्ष को तू जोड़ने को जा रहा है प्रभु। हम इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तो आशीष कर प्रभु जी कि आने वाला वर्ष आप प्रभु जी जैसे इनके साथ जैसे वो जुड़े आप प्रभु जी इनके जीवन में उन सारी आशीषों को जो अब तक इन्होंने नहीं देखा जिसकी ये कल्पनाएं करते हैं पिता परमेश्वर, जिसकी ये प्रभु जी कामना करते हैं प्रभु जी, वो सारी आशीषें इनके जीवन में प्रभु जी तू देना पिता परमेश्वर। अपने स्वर्ग राज के भंडार को तू खोल के आप प्रभु जी इनके जीवन में अपने अपार आशीषों की वर्षा को तू करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी इनके जीवन में जो भी कमी खटी पाई जाती है प्रभु जी उन तमाम कमी खटियों को प्रभु जी तू ही दूर कर प्रभु जी। और इन्हें प्रभु जी अपने स्वर्गीय आशीषों से प्रभु जी आप इन्हें तो परिपूर्ण करना पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम उन एक एक लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनका हम धन्यवाद देते हैं कि जो पहली बार यहाँ पर आए हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं ऐसे लोगों को भी तू लेके आया प्रभु। आप प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं उन एक एक लोगों के जीवन में आपकी आशीष है जो आज तूने बांटी है प्रभु जी वो उनके जीवन में ठहर जाए मैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन से वो वचन प्रभु जी हम इसे किसी के जीवन से वो चुराया ना जाए पिता परमेश्वर, वरन प्रभु जी वो वचन प्रभु जी हमारे जीवन में 100 गुना फल को लाने पाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी जितने भी नए लोग हैं जितने भी जो लोग यहाँ पर मीटिंग अटेंड करते हैं पिता परमेश्वर पहले से हर एक को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। तो आशीष कर कि अगर आपका अनुग्रह रहे प्रभु जी आपकी दया रहे तो हम आने वाले हफ्ते में फिर से हम मिलने पाए प्रभु जी। तो आशीष कर प्रभु जी कि जितने भी युवक जितने भी जवान प्रभु जी यहाँ आते हैं पिता परमेश्वर वे बिना आशीष को प्राप्त किए बिना अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को लिए बिना यहाँ से ना जाए पिता परमेश्वर। और जितने भी यूथ यहाँ आते हैं जितने भी लोग प्रभु जी यहाँ पर आते हैं हर एक लोग आपकी उस अद्भुत चंगाई को अद्भुत छुटकारे को वे प्राप्त करके जाने पाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी तो आशीष कर कि आने वाले हफ्तों में प्रभु जी आप प्रभु जी तो और भी ऐसे नए लोगों को तू लेके आ आप प्रभु जी उनसे तो हमें जोड़ता चला जा प्रभु जी ताकि वे भी उस छुटकारे को वे अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु जी, उस छुटकारे के वचन को वे अपने जीवन में सुन सके पिता परमेश्वर और उसे उसके अनुसार वे चल सके पिता परमेश्वर। आप प्रभु जी हम में से हर एक एक जवानों को तो आशीष कर कि हम भी आप प्रभु जी उन नए आत्माओं को लाने वाले बन सके पिता परमेश्वर। हमारे अंदर भी उन आत्माओं को बचाने का प्रभु जी तू हमें वो जील को प्रभु जी तू दे प्रभु जी ताकि हम उन आत्माओं को भी प्रभु जी आपके समीप में हम ला सके प्रभु जी। हम सारा आदर मांगा प्रभु जी हम सर्वस्व हम तुझको देते हैं। इस समय जिस तरह तूने हमारे आने में सहायता मदद की प्रभु जी उसी तरह हमारे जाने में भी तू हमारी तू सहायता मदद करना।
इस दान को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं, इसे तू ब्लेस कर और इसे तू 100 गुना रोजी मल्टीप्लाई कर रोजी, ताकि आपके राज्य के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल हो सके। हम सारा आदर और महिमा को देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ हम तुझको देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुना दे सके, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें, हे हमारे पिता, आप जा सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, कितने लोग